Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. Hello friends, welcome to Pharma for You. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं how to crack MP Pharmacist exam, यानी कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं Pharmacist exam की, जिसके लिए कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी है और कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है. तो बनिए रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ. तो चलिए शुरू करते हैं. एमपी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन 2020, यानी कि ये जो एग्जामिनेशन निकली है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंदर निकली है और इससे सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर फार्मासिस्ट की वैकेंसी फुलफिल करनी है. जो स्टार्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो है 10 अक्टूबर 2020, यानी कि ये स्टार्ट हो चुका है. लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 24th October 2020 और जो एग्ज़ाम की डेट है वो 16 से 27 दिसंबर 2020 के बीच होने वाली है. यानी कि अराउंड 60 डेज बचे हैं आपके पास सिर्फ तैयारी करने के लिए. तो आपको उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी और आपको अगर ये एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो अभी से मेहनत करनी होगी. तो हम इसमें वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप तैयारी करें. तो देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए सिलेबस की जो मेन हेडलाइंस है उसके बारे में आपको बता दूं मैं. फार्मास्यूटिक्स है, उसी के जो सब पार्ट्स हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और डिस्पेंसिंग फार्मेसी, जो कि फार्मास्यूटिक्स के अंदर आते हैं. यानी कि 30 से 40% सिलेबस जो है वो फार्मास्यूटिक्स का है. सेकंड बात करें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, जिसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड आती है. फार्माकोग्नोसी आती है, बायोकेमिस्ट्री आती है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी भी आने वाला है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी आने वाली है और HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में भी पूछने वाले हैं. तो ये था ब्रॉड सिलेबस जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है. हम इंडिविजुअल सिलेबस की टॉपिक्स की बात करने वाले हैं. पहले हम टिप्स देख लें कि आपको तैयारी कैसे करनी है. तो देखिए, पहली चीज़ कि आप स्ट्रिक्टली सिलेबस को फॉलो करें. सबसे पहले आप अपने सिलेबस का प्रिंटआउट निकालें, उसको स्टिक करें अपने वॉल पे और उस सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि फार्मेसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, अगर आप सबको पढ़ने लगे तो ये समय में नहीं हो पाएगा. तो स्ट्रिक्टली जो सिलेबस है आप उसको फॉलो करें, अपने बेसिक क्लियर करें. सेकंड चीज़, जो टॉपिक आपको पहले से आते हैं, जिनके बारे में आप बहुत फेमिलियर हैं, उनको पहले पढ़ें. उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होता है, जिससे आप जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो आपके टॉपिक्स कवर अप हो जाते हैं. उसके बाद आप वो वाले टॉपिक्स पढ़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, यानी फार्मास्यूटिक्स से हैं, फार्माकोलॉजी से हैं, कॉग्नोसी से हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से. तो सेकंड चीज़ आपको करनी है, ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं. उसके बाद जो रिमेनिंग सिलेबस बचता है आपका, वो आपको कवर करना है. उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक पुराने पेपर देखने हैं, क्योंकि अभी तक दो बार एग्जामिनेशन हो चुकी है 2015 में और 2017 में. तो आपको पुराने पेपर डाउनलोड करने हैं. आपको ये पुराने पेपर हमारी वेबसाइट से मिल सकते हैं, जहां डाउनलोड सेक्शन में जाके आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं. उसी के बाद नेक्स्ट चीज़ है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे, जो कि ओल्ड क्वेश्चन है. इस साल के GPAT के जो क्वेश्चन है आप वो भी सॉल्व करें, कि वहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है. उसके बाद जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह हमने डाली हैं बहुत सारी हमारे YouTube चैनल पे, उससे भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं. उसी के अलावा पुराने जो क्वेश्चन हैं GPAT के और कोई फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के, जो कि MP में होती रहती है, आसपास के राज्यों में होती है, राजस्थान फार्मासिस्ट वगैरह, उसके पेपर्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आते हैं. तो ये सारी थी टिप्स. अब हम बात करेंगे डिटेल में सिलेबस के बारे में, कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है. तो पहला जो टॉपिक है और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है फार्मास्यूटिक्स. सभी स्टूडेंट्स को लगभग फार्मास्यूटिक्स बहुत अच्छे से आता है. फार्मास्यूटिक्स में आप देखेंगे तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेस फॉर्म, देयर क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स, रिलेटिव एप्लीकेशन, फेमिलाइजेशन विद न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपियाज और स्पेशल रेफरेंस दिया है देखिए इंडियन फार्माकोपी का. फिर उसके बाद जनरली इंजीनियरिंग आ गई है, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मेट्रोलॉजी, वेट्स एंड मेजर्स, कैलकुलेशन इंक्लूडिंग कन्वर्शन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, परसेंटेज कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट प्रोडक्ट, यूज ऑफ एलिगेशन मेथड, आइसोटिनिक सॉल्यूशन, मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सट्रैक्शन, क्लेरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, हीट प्रोसेस, इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस, डिस्टिलेशन, स्टरलाइजेशन एंड इट्स डिफरेंट सिग्निफिकेंस, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिटेल स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टरलाइजेशन प्रोजेक्ट, स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, सीरा, वैक्सीन, टॉक्सिन, देयर प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ टेबलेट्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल. देखिए, जो टॉपिक है ये लगभग
फर्स्ट सेम का टॉपिक है जो कि डिग्री फर्स्ट सेम में पूछा जाता है, डिप्लोमा में जनरली यही पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको एक आदर्श बुक चाहिए जो कि आइडियल बुक है, तो वो है लियोन लेकमैन। पर इतने कम समय में हम लियोन लेकमैन से सब चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको एन के जैन लेनी है जो फर्स्ट सेम में यूज़ होती है, एन के जैन या आर एम मेहता। इसके अंदर लगभग ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं एज इट इज़, तो आप वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान रखिए कि जो हीट प्रोसेस है, ड्राइंग प्रोसेस है, उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, इनके लिए आप एक टेबल बना सकते हैं, उस टेबल में से सारी चीज़ें रीड कर सकते हैं कि कौन सा सिरा होता है, किस मेथड से बनता है, कब दिया जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो एन के जैन को आप प्रीफर करें या आर एम मेहता को आप प्रीफर करें, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स, साइज रिडक्शन यानी कि जो इंजीनियरिंग के टॉपिक्स है वो भी कवर अप हो जाएंगे आपके। और आप इंजीनियरिंग स्पेशली पढ़ना चाहते हैं कुछ टॉपिक अच्छे से, तो आप सुब्रमण्यम की, सीवीएस सुब्रमण्यम जो बुक आती है, फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप, आपने कभी लियोन लेकमैन से इन सबको पढ़ा है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अभी मैं प्रीफर नहीं करूँगा इतने दिन के अंदर आप लियोन लेकमैन को हाथ लगाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा टिपिकल है और पढ़ने में आपको दिक्कत होने वाला है। प्रोसेसिंग ऑफ टेबलेट्स एंड कैप्सूल पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्पेंसिंग फार्मेसी की। डिस्पेंसिंग फार्मेसी की, जैसे आप जानते हैं, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इनकम्पेटिबिलिटीज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी, डोज एंड डोज ऑफ ड्रग्स, डोज कैलकुलेशन, तो डोज कैलकुलेशन के जो फार्मूलाज होते हैं उन पर अच्छे से ध्यान दीजिए। उसके बाद इनकम्पेटिबिलिटीज इन प्रिस्क्रिप्शन जो होती है, वो कुछ इंपॉर्टेंट इनकम्पेटिबिलिटीज होती हैं, फिजिकल केमिकल, उनके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, वो अच्छे से रीड कर लीजिए। उसके बाद डिस्पेंस मेडिसिन में पाउडर्स, लिक्विड ओरल डोजेस, बायोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म सस्पेंशन, इमल्शन, डेंटल, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसके अंदर से आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि क्या मेन चीज़ होती है, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, और कोई सिंथेटिक होता है तो उसका नाम क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है उसका। तो ये सारे टॉपिक्स आप एक नोट्स बना सकते हैं और आप एग्ज़ाम के टाइम भी इसे पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप एन के जैन और आर एम मेहता को ही प्रीफर करें, जिसके अंदर आपको डिस्पेंसिंग की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डिस्पेंसिंग फार्मेसी की एन के जैन या आर एम मेहता आपको मिल जाती है, उसी के अंदर से आप ये सारी चीज़ें पढ़ लें। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो वो है फार्माकोग्नोसी। देखिए, फार्माकोग्नोसी के अंदर डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वेरियस सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन, एडल्ट्रेशन एंड ड्रग इवोल्यूशन, जिसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ फार्माकोपिल स्टैंडर्ड्स, थेरापेटिक इफेक्ट एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स, टर्पिनोइड्स, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, टेनिन्स एंड रेजिन्स। तो इसमें आप ये बात ध्यान रखिएगा कि एल्कलॉइड्स, टर्पिनोइड्स और इसके भी जितने भी टेस्ट होते हैं, केमिकल टेस्ट होते हैं, इनकी माइक्रोस्कोपी होती है, उस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। और इनकी जो मेन ड्रग्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ड्रग्स मेंशन करी हुई है, जैसे कि बेलाडोना, एकोनाइट, अश्वगंधा, एफेड्रा, ओपियम, कैनाबिस, तो इन सारी ड्रग्स का आप एक टेबल बना सकते हैं, जिसमें आप इनका ओरिजिन लिख सकते हैं, इनका बॉटनिकल नेम लिख सकते हैं यानी बायोलॉजिकल नेम लिख सकते हैं इनका, इनके यूजेस लिख सकते हैं, इनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट लिख सकते हैं, और सिर्फ आप इसी जो ड्रग्स आपको मेंशन करी गई है, इसी की एक टेबल बनाएं, जिससे कि आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो। इसी के साथ आपको देखिए यहाँ पर एल्कलॉइड्स, टर्पिनोइड्स, ग्लाइकोसाइड भी मेंशन, तो इनकी जो मेन मेन ड्रग होती हैं, जैसे कि डिजिटलिस होती है, सेना होती है, तो इनको भी आप इसमें इंक्लूड कर लें, क्योंकि इनका नाम मेंशन नहीं होगा फिर भी इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखिए, ऑयल, आमला, पपाया, डायस्टेज, ईस्ट, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स फ्रॉम द मार्केट, उसके बाद एर्गोट, ओपियम, रावोल्फिया, सेना, सेना देखिए मेंशन है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। स्टडी ऑफ सोर्स, प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर्स यूज इन सूचर्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग, कॉटन, सिल्क, वूल एंड रिजेनरेटेड फाइबर्स। तो इसके लिए सिर्फ एक बुक है जो सबसे बेस्ट है, वो है सी के कोकाटे। और अगर आपको माइक्रोस्कोपी पढ़नी है, तो माइक्रोस्कोपी के लिए मैं बुक प्रेफर करूँगा खंडेलवाल, जो कि एक प्रैक्टिकल बुक आती है, पर उसके अंदर जितनी भी माइक्रोस्कोपी है बहुत अच्छे से दी हुई है, तो आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। जो ड्रग्स हैं, आधी ड्रग्स तो आपको इसमें टेबुलर फॉर्म में ही मिल जाएंगी, जिससे आप पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सिर्फ कोग्नोसी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, ये जो स्टार्टिंग के टॉपिक हैं ये आपको सी के कोकाटे से कवर करने हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं सारे, तुलसी, गूगल और जितने भी ड्रग्स हैं, वो आपको खंडेलवाल प्रैक्टिकल बुक या सीके कोकाटे दोनों से मिक्स करके एक अच्छी सी टेबल बनानी है, जिसके अंदर आप ओरिजिन, इनका बॉटनिकल नेम, इनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो, इनके यूजेस और
इनके फार्माकोलॉजिकल यूजेस, ओके, ये सारे आप लिख कर स्टिक कर लें अपनी वॉल पे और रोज इन्हें रीड करें। इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस कोग्नोसी से आएंगे तो आप उसे अच्छे से क्रैक कर पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक है कोलोजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम का पेपर जनरली डॉक्टर्स बनाते हैं, तो डॉक्टर्स लोग फार्माकोलॉजी क्वेश्चन से पेपर उठा ही लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते ही इंक्लूड उसके अंदर। फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको। तो इसमें देखिए आप, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वेरियस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग देम, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, पूरा एडीमी का जो टॉपिक है वो पूरा आ जाएगा। यानी कि इंट्रोडक्शन है, इसके लिए आपको बुक जो रिफ़र करनी है वो करनी है केडी त्रिपाठी। यानी सभी टॉपिक के लिए आपको केडी त्रिपाठी रिफ़र करनी है। ये जो स्टार्टिंग का टॉपिक है आपको केडी त्रिपाठी में एज इट इज़ मिल जाएगा, वो आपको पूरा रीड करना है, इसके एग्जाम्पल्स रीड करने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, तो देखिए फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, फिर इसमें देखिए कैटेगरी दी है ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS, जनरल एनेस्थेसिक, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, एंटी कन्वल्सेंट्स, लोकल एनेस्थेसिक, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पायरेटरी सिस्टम, एंटासिड्स, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, ड्रग्स अफेक्टिंग रीनल फंक्शन, हार्मोन्स, हार्मोन्स एंटागोनिस्ट, ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जितनी कैटेगरीज दी हुई हैं यहाँ पे फार्माकोलॉजी की, इसका जो आपको है क्लासिफिकेशन वो पूरा रीड करना है। क्लासिफिकेशन केडी त्रिपाठी में एज इट इज़ दिया हुआ है, तो क्लासिफिकेशन आप इसको पूरा रीड कर लें, इनके एग्जाम्पल ड्रग्स के वो रीड कर लें। अगर इनका कोई साइड इफेक्ट है या फिर कोई मेन डिसीज़ है जो किसी ड्रग से होती है, जैसे क्लोरमफेनिकोल से ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, ऐसे बहुत सारे स्पेशल एग्जाम ड्रग्स हैं जिनके क्वेश्चंस एज इट इज़ पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो आप एक यहाँ भी आपको सारी क्लासिफिकेशन रीड करनी है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग का क्यों कैसा है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जाता है इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की ड्रग कौन सी है। तो जनरल आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो MOA पे जो क्लासिफिकेशन डिपेंड होता है फेस, वो भी याद कर लें, जिससे कि आपको क्वेश्चंस आसानी से बन पाए। और फार्माकोलॉजी पे स्पेशल ध्यान दें, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। अब जैसे आप जानते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री नाम जैसे ही आता है आधे स्टूडेंट्स को डर लगने लगता है, तो मैं प्रिफर करूँगा कि आप इसे थोड़ा कम समय के लिए पढ़ें, क्योंकि स्ट्रक्चर वगैरह आपको इतनी आसानी से याद नहीं होने वाले हैं इतने कम समय में, और स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन इतने पूछे भी नहीं जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन होंगे जो पूछे जाते हैं। लास्ट पेपर में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, पर मुझे नहीं लगता इस पेपर के अंदर केमिस्ट्री पूछी जाने वाली है। तो इसके अंदर आप ध्यान रखिए, देखिए एसिड बेस बफर्स, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट्स, एडिसिफाइंग सल्फर कंपोनेंट, जिंक सल्फेट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपको जो फर्स्ट सेम में GR जटवाल यूज़ होती है उसके अंदर सारे मिल जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसके बाद आप ये ध्यान रखिए, इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है, कौन सा यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, इसके बाद इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन से होते हैं इंडियन फार्माकोपी के अकॉर्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स कैसा होता है। तो इसको आप ब्रॉडली ऊपर ऊपर से पूरा रीड कर लें, एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद कर लें, प्रोटेक्टिव्स के कौन से एग्जाम्पल हैं, एंटीमाइकोटिक्स, तो एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद करना है। इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं GR चटवाल को। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड, ये तो और टफ होती है। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं इसके अंदर, देयर नोमेनक्लेचर पढ़ना है, इनका केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है, यूजेस पढ़ना है, और इम्पोर्टेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। उनकी स्टेबिलिटी स्टोरेज के बारे में आपको देखना है, और देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन ऑफ द ड्रग और स्टेबिलिटी जो स्टोरेज कंडीशंस होती है ICH गाइडलाइंस के हिसाब से, वो आपको सारी पढ़नी है। इसके लिए आप कस्तूरे और वरोडकर करके बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर स्ट्रक्चर्स वगैरह याद करना तो मुमकिन नहीं है इतने कम समय के लिए, तो आप कोलोजी को ही इतना डीपली पढ़िएगा, जितने एग्जांपल्स पढ़ेगा कि सारे ये जो पार्ट्स हैं आपके कवर हो जाएं। उसके बाद भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेन ब्रॉडली ऊपर ऊपर से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सकते हैं और स्टोरेज कंडीशन को स्पेशली पढ़ सकते हैं। उसके बाद करेंगे हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, इससे 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए सारे शेड्यूल्स पढ़ने हैं आपको, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जितने शेड्यूल्स हैं वो तो आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन बनना ही है। वेरियस कमिटी मेंबर्स पढ़ना है जो कि बुक के अंदर दी हुई है, DTAB कमेटी हो गई, एटसेट्रा कमिटीज़ हो गई, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो आपको रट लेना है पूरे। एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स इन वेरियस शेड्यूल, जितनी ड्रग्स हैं शेड्यूल के अंदर,
जैसे आपसे पूछा जाएगा कि शेड्यूल एच के अंदर कौन सी ड्रग्स आती है, तो एग्जांपल पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको थोड़ा सा लर्न करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई एंड एआईसीटी एक्ट पढ़ना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआई एक्ट कितने साल के लिए होता है, एआईसीटी एक्ट क्या होता है, कितने साल के लिए इनकी कमेटी बनती है, ये सब आपको याद होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बुक है, एनके जैन, जो कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस की बुक, ये आप रेफ़र करें और इससे ही पढ़ें। फिर हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। देखिए, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, ब्रीफ केमिस्ट्री, रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड देयर क्लासिफिकेशन, रिलेटेड डिसीज, रोल ऑफ मिनरल्स, वाटर्स इन लाइफ प्रोसेस, ब्रीफ केमिस्ट्री ऑफ एंड रोल्स ऑफ विटामिन्स एंड कोएंजाइम्स, ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइमेटिक इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। तो ज़्यादा डिटेल में टॉपिक नहीं पूछे गए इसके अंदर। तो आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इनकी जो मेन साइकिल्स हैं उनके नाम पढ़ लें, ठीक है, उनका जो स्टार्टिंग और एंड का जो मॉलिक्यूल है उसे पढ़ लें, उसके बाद जो विटामिन्स और कोएंजाइम्स हैं इनके नाम सारे आप याद कर लें, कौन से विटामिन का क्या नाम होता है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्लड और यूरिन की पूरी पैथोलॉजी फिजियोलॉजी पढ़ लें इसको, ये आप पढ़ेंगे तो एचएपी में भी आपके काम होने वाली है। ब्लड और यूरिन की जो पैथोलॉजी होती है ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इसके अंदर, कुछ टेस्ट वगैरह ये सारे पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको जब बुक प्रीफर करनी हो, सत्यनारायण, डॉक्टर सत्यनारायण जी की बुक आती है वो वाली आपको प्रीफर करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है एच ए पी, ध्यान रखिएगा, एच ए पी के लिए आपको जो बुक प्रीफर करनी है वो रोस एंड विल्सन करनी है। सबसे बेस्ट बुक है रोस एंड विल्सन एच ए पी के लिए। इसमें डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज इन एनाटोमी, फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोसोम्स, एलिमेंट्री टिश्यूज ऑफ बॉडी, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड। देखिए यहाँ भी ब्लड आ गया पूरा, कोगुलेशन जो ब्लड का साइकिल होता है वो आपको पढ़ लेना है पूरा। नेम एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स पढ़ लेना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इनका ब्रीफ पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िएगा। कुछ पॉइंट्स रिमेंबर, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट और स्पेशल वर्ड्स हों वो आप याद कर लें इसके अंदर से, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट में होता है एक्चुअल में, जैसे कि डिसीज़ वगैरह किस किस वायरस या बैक्टीरिया से होती है, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। करंट आप देख सकते हैं, कोरोना पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनकी जो फिजियोलॉजी होती है, इनकी सारी जो भी वो डिटेल्स होती हैं वो सारी आप पढ़ लें। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ आ रहा है, उसके बाद फर्स्ट एड, इमरजेंसी ट्रीटमेंट आ रहा है, एलिमेंट ऑफ माइनर सर्जरी आ रहा है, ड्रेसिंग आ रहा है, प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, ब्लाइंडनेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ आ रही है, कम्युनिकेबल डिसीज़ आ रही है, इसके कॉजेटिव एजेंट्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप पढ़ लें, प्रिवेंशन पढ़ लें, इसकी भी आप एक टेबल बना सकते हैं कि कौन सी डिसीज़ है, उसका कॉजेटिव एजेंट्स कौन सा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और प्रिवेंशन के लिए कौन सा विटामिन मिनरल यूज़ होता है या फिर कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें कैटेगरी दी है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, आर्थ्रोपोड बोन इन्फेक्शन, सरफेस इन्फेक्शन, तो इन्हीं सारे इन्फेक्शन की एक टेबल बना के आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप फैमिली प्लानिंग के आपको बारे में बात करनी है, उसके बाद इनकी एपिडेमियोलॉजी पूरी पढ़नी है आपको, इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, कौन सा इम्यूनाइजेशन, कौन सा टीका कब लगता है बच्चे को, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इम्यूनाइजेशन प्रोडक्ट, उनके पास उनका जो डोज शेड्यूल होता है वो आप पढ़ सकते हैं, नेट पे आसानी से मिल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये सारी आपको बुक से पढ़ना है। एन के जैन या अशोक के गुप्ता, एक छोटी सी बुक आती है डिप्लोमा में यूज़ होती है, उसमें आपको हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सारी बातें थी सिलेबस के बारे में, जितना भी सिलेबस था मैंने पूरा कवर कर लिया है इसके अंदर, और ये सारे टॉपिक्स थे और बुक्स थी जिससे आपको पढ़ना है, और स्ट्रेटजी बताई है मैंने, क्या पॉइंट्स आपको कवर करने हैं एग्जामिनेशन से पहले, और टिप्स मैंने आपको बताई है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है घर बैठ के, और आप चाहते हैं कि आप इतनी सारी बुक्स नहीं ला सकते हैं और इतनी सारी स्टडी नहीं कर सकते हैं खुद से, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है आपके लिए। तो देखिए फार्मेसी कोचिंग क्लासेस, जो कि है इंदौर बेस्ड एक कोचिंग क्लासेस, और उसकी एक ऐप आती है फार्मेसी कोचिंग क्लासेस ऐप करके, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप इनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं pharmacycoachings.in करके। उसके अंदर आपको 2 मंथ का, यानी 2 मंथ ड्यूरेशन का एक बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको डेली ऑनलाइन क्लासेस मिलने वाली हैं, सारे टॉपिक्स जो आपके हैं फार्मेसी के वो कवर हो जाएंगे इसके अंदर। उसी के साथ साथ आपको PDF नोट्स भी ये लोग प्रोवाइड करेंगे, आपको इतनी सारी बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। उसी के साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट और वीकली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी होने वाली है, आपको एग्जामिनेशन से पहले सारे पॉइंट्स आपके कवर कर लिए जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो
आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, ऐप के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। ये कोचिंग बहुत बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए 2 महीने के अंदर प्रिपरेशन करने के लिए। इसके जो कॉन्टैक्ट हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके बैचेस के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं और इसकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। थैंक यू सो मच। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।